प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा कल जो आपको गणितीय संक्रियाओं की रीजनिंग दी गई थी, आज मैं उनके उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और हमारा पहला प्रश्न जो है वो है 36 माइनस 9, 36 माइनस 9 भाग 5 बराबर 4 प्लस 5। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सवाल को में पहला विकल्प रखेंगे, अगर हमारा उत्तर बराबर नहीं आता है तो दूसरा रखेंगे, फिर तीसरा रखेंगे, फिर चौथा रखेंगे। तो देखिए, जैसे 36 है और 36 के बाद यहाँ पे माइनस की जगह चूँकि पहले विकल्प में भाग लगा है तो भाग लगा देंगे, फिर लिखते हैं 9, फिर भाग की जगह प्लस लगाएंगे 5, फिर बराबर की जगह क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे 4, फिर जो हमारा 5 है प्लस की जगह बराबर 5 लिख देंगे। अब देखिए कि 36 में 9 का भाग देते हैं तो आता है 4, और 4 के बाद ये प्लस के 5 और ये माइनस के 4 और ये बराबर 5। अब देखिए 5 और 4 9 में से 4 गई 5, यानी उत्तर हमारा आ गया 5 बराबर 5। तो हम कह सकते हैं कि इसका हमारा जो पहला वाला विकल्प है वही सही है। तो पहला वाला विकल्प सही हो गया। अब चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की ओर। बच्चों, एक चीज़ और है, अब मैं आपको सिर्फ विकल्पों में जो विकल्प सही है वो बताऊंगा। अब आप जान गए कि आपको करना क्या है, कि हम एक एक विकल्प को रख के देखेंगे और जिससे हमारी इक्वेशन बराबर आ जा रही है, सेटिस्फाई हो रही है, वही विकल्प हमारा सही होगा। तो दूसरा प्रश्न जो है 10 प्लस 8 प्लस 30 बराबर 50, तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो है इसमें भी हमारा तीसरा विकल्प सही है। चौथा प्रश्न 32 बराबर 4 माइनस 2 भाग 4, तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न जो अभी 2023 में ही पूछा गया है कि 3 माइनस 2 प्लस 5 बराबर 0, तो इसमें हमारा पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है 100 बराबर 20 गुणे 9 भाग 45, तो इसमें हमारा पहला विकल्प ही सही है। इसके बाद सातवां प्रश्न है और सातवें प्रश्न में भी हमारा पहला विकल्प सही है। आठवां प्रश्न, आठवें प्रश्न क्या है, यदि गुणा का अर्थ प्लस, तो जहाँ गुणा लगा है जैसे 8 गुणे 7 है ना, तो 8 प्लस 7 लिख देंगे, प्लस का अर्थ भाग, तो अब ये 8 के बाद यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ पे भाग लगा देंगे, माइनस का अर्थ गुणा, तो जहाँ माइनस लगा है 7 माइनस 8 है ना, तो 7 गुणे 8 कर देंगे, और भाग का अर्थ माइनस, तो भाग की जगह यहाँ पर माइनस लगा देंगे। फिर जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा उत्तर जो है वो बी वाला आ रहा है। नौवा प्रश्न जो है, दो चिन्हों के गलत क्रम के कारण समीकरण गलत हो गई है, सही विकल्पों का चुनाव कीजिए जिससे समीकरण सही हो जाए। तो हमें कहा है कि प्लस और माइनस को बदल के देखना है। प्लस है 5 प्लस 3 है, तो प्लस की जगह माइनस कर दीजिए और माइनस की जगह प्लस कर दीजिए, 8 के बाद प्लस आ जाएगा। तो देखते हैं क्या इक्वेशन सही हो रही है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरे वाले विकल्प में जहाँ 8 के बाद माइनस लगाए वहाँ भाग कर देंगे, और 12 के बाद जहाँ भाग लगाए वहाँ माइनस कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन सेट सही हो रही है, अतः हमारा विकल्प बी सही है। इसी प्रकार से दसवां प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस है, तो समीकरण का मान बताइए। तो जहाँ प्लस लगा है वहाँ पर गुणा कर देंगे, जहाँ माइनस लगा है वहाँ पर भाग कर देंगे, जहाँ भाग लगा है वहाँ पर प्लस कर देंगे, और जहाँ
गुणा लगा है वहाँ माइनस कर देंगे, और जब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारा विकल्प सी सही आएगा, यानी उत्तर 11 आएगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्विज के साथ।